आज हम पढ़ने वाले हैं आपके क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4, द एशेज दैट मेड ट्री ब्लूम। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारा 4 चैप्टर है, इससे पहले भी हमने 3 चैप्टर्स पढ़े। अगर आपने वो ना देखा तो उन्हें भी देख लीजिएगा। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डाइमियोस जो है, इन 19th सेंचुरी जापान में वेल्दी लैंड ओनर्स को कहा जाता था। तो लैंड ओनर्स को डेम्यूस कहा जाता था। देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल, वहाँ ओल्ड कपल रहते थे, हुज ओनली पैट वॉज अ लिटिल डॉग, जिनका एक पैट था, एक छोटा सा कुत्ता। हैविंग नो चिल्ड्रन, और उनका कोई बच्चा नहीं था। दे लव्ड इट एज थ्रू इट हर अ बेबी, उस कुत्ते को ऐसा प्यार करते थे जैसे वो उसका बच्चा हो। द ओल्ड डैम मेड इट क्यूशियस ऑफ ब्लू क्रैब एंड एट मिल्टन मूकू, उसका नाम रखा मूकू। फॉर दैट वॉज इट नेम्ड वुड सिट ऑन इट अ सॉन्ग एज एनी कैट, कैट जैसा था। द काइंड पीपल फैड फीड द पैट विद टिड बाइट्स ऑफ फिश, टिड बाइट्स ऑफ फिश से वो उसका पेट भरते थे। फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स, और वो जापान में वो डंडियों से खाते ना, तो उसे चॉपस्टिक कहते, उससे वो उसे खिलाते थे, उनकी से ही खिलाते थे उस कुत्ते को। एंड ऑल द बॉयल्ड राइस इट वॉन्टेड, और जितना बॉयल्ड राइस उसे चाहिए होता था। थस ट्रीटेड द डम क्रीचर, यानी वो बोल नहीं सकता था इसलिए डम क्रीचर। लव्ड इट्स प्रोटेक्ट लाइक अ बींग विद अ सोल, लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड, उसे ह्यूमन चाइल्ड की तरह वो करते थे। द ओल्ड मैन बींग अ राइस फार्मर, वो एक राइस फार्मर था, वेंट डेली विद हू और रिस्पेक्ट इन टू द फील्ड, वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेन टू सेम एज द सन इज कॉल्ड, सन को कहते थे, हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल, जब तक वो छुप नहीं जाए। एवरी डे द डॉग फॉल्ड हिम टू वर्क नेवर वंस, हमेशा वो वर्क पर जाया करता था मालिक के साथ। हार्मिंग द वाइट हॉर्न दैट वॉकड इन फोर स्टेप, वॉक करता था उसके साथ। ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वॉर्म्स, और वॉर्म्स को लेने में मदद करता था। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पिटेड अ काइंड ऑफ काइंड टू एवरी थिंग दैट हैड लाइफ, वो जो कुत्ता था उसको हर चीज़ की वो थी, दया थी, जो जिंदा है। एंड ऑफन टर्न अप अ सॉर्ड ऑन अ पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, वो मिट्टी खोदते था जिससे बर्ड को केजी पकड़ने में आसानी हो। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, एक बार डॉग उसके पास आया। पुटिंग हिज पॉ अगेंस्ट हिज लेग्स, पॉज और लेग्स को रखता है, मोशन विथ हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, जहाँ कुछ जगह थी। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थ्रो हिज पैट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट, वो खेलता रहता था, वो उसको माइंड नहीं करता था। बट द डॉग केप्ट ऑन व्हाइनिंग एंड रनिंग टू एंड फॉर सम मिनट्स, दौड़ रहा था, खेल रहा था कुछ मिनट तक। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग ये फ्यू यार्ड्स, थोड़ी देर उसे फॉलो करता है, टू अ प्लेस, एक प्लेस तक, वेयर द एनिमल बींग अ लिवली क्रिएचर थिंकिंग इट वॉज पॉसिबल अ बरीड बोन और बिटो फिश, बरीड बोन हो सकती थी फिश की। द ओल्ड मैन स्टक हिज हो इन द अर्थ, लो अ पाइल ऑफ गोल्ड, मतलब इन्हें गोल्ड मिल जाता है। थस इन एन आवर द ओल्ड कपल पर मेड रिच, और वो अमीर हो जाता है। द गुड सोल बॉर अ पीस ऑफ लैंड मेड अ फेस्ट ऑफ फॉर देयर फ्रेंड एंड गेव प्लेंटफुली टू देयर
पुअर नेबर, और सब गरीब नेबर थे उन सबको वो बांटता है। एज फॉर द डॉग दे पिटेड हिम टिल दे नियरली स्मूथ हिम विथ काइंडनेस, उसे काइंडनेस के साथ रखते हैं। ना इन द सेम विलेज, उसी विलेज में देयर इज अ विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, एक ओल्ड मैन और एक और वाइफ वहाँ रहती थी, नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कॉल्ड ऑल डॉग्स डॉग्स को वेन एवर एनी पास देयर हाउस हियरिंग ऑफ देयर नेबर गुड लक। जब उन्हें पता पड़ता है इन लालची नेबर्स को इनके गुड लक के बारे में, दे कॉज द डॉग डॉग्स को बुलाते हैं इन टू देयर गार्डन गार्डन में। और यह मैं आपको बताना भूल गया, जरा शायद पढ़ता रह गया, कि ना इनको जानवरों से भी नफरत थी। देयर गार्डन एंड सेट बिफोर, लेकिन डॉग जो था इनसे डरता था और वो इधर नहीं आया जो इन्होंने खाने को दिया था। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर डोर से बुलाते, टेकिंग स्पैड एंड हो विद देम, स्पैड और हो के साथ जाते हैं खुदाई करने के लिए। नो सून हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री, वो पाइन ट्री के पास जाता है ग्रोइंग इन द गार्डन जो गार्डन में उग रहा था। देन ही बिगिन टू पॉ एंड स्क्रैच द ग्राउंड एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले बिन, ऐसा करता है जैसे बहुत बड़ा ट्रेजर हो। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, स्पेड और हो मुझे दे दो, लालची ओल्ड आदमी बोलता है। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस्ड विद जॉय, वो जॉय से नाचने लगता है। देन द कॉफ्टस ओल्ड फेलो विद अ स्पैड एंड द ओल्ड कॉर्न विद अ हो बिगेन टू डिग डिग करते, बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन, वहाँ बस उन्हें एक मरी हुई बिल्ली मिलती है। द स्मेल ऑफ विच मेड द ड्रॉप देयर टूल्स, बहुत गंदी स्मेल थी जिससे वो अपने टूल्स गिरा देते हैं। एंड शट देयर नोजेज, और नोजेज बंद कर लेते हैं। फ्यूरियस एट द डॉग, उन पर गुस्सा आता है डॉग पे। द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम, किक करता और बीट करता है हिम टू डेथ, जब तक वो मर नहीं जाए। एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो, अब वो उसे मार देते हैं बुरी तरीके से। दे देन फंग हिम इन टू द होल एंड हिप्ड द अर्थ ओवर हिज क्रेक्स, उसमें डाल देते। द ओनर ऑफ द डॉग हियर ऑफ द डेथ, उसे डेथ की पता पड़ता है ऑफ हिज पैट, उसके पैट के, एंड मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन ओन चाइल्ड, उसने जैसा अपना खुद का बच्चा उनका मर गया हो ऐसा कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने उसको अपने असली बच्चे की तरह पाला था। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री ही सेट अप सम बैम्बू टर्म्स लगाते हैं इन द ग्राउंड में, सच एज आर यूज्ड बिफोर टर्म्स इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, जिसमें वो मतलब वो ग्रेप बना रहा था। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड अ ट्रे ऑफ फूड एंड अ ग्रेव एंड बर्न सेवरली कॉस्टली स्टिक्स ऑफ फाइनसेंस, ही मोर्ड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज बेड करता है, कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स, बहुत सारे नाम उसे पुकारता है एज इफ ही वर अलाइव, जैसे वो जिंदा हो। दैट नाइट टू स्पिरिट ऑफ द डॉग अपियर्ड इन टू हिम, उसके आत्मा उसके सपने में आती है और कहती है कट डाउन द पाइन ट्री को काटो ओवर माय ग्रेव, जो मेरे ग्रेव के ऊपर है, एंड मेक फ्रॉम इट अ मोर्टन यानी बाउल फॉर द राइस पेस्ट्री एंड अ मिल फॉर योर बीन सॉस, उससे काट के ये सब बनाओ जिससे ये खाना बनेगा। सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री, वो काटता है कट आउट द मिडिल टू द ट्रंक को भी काट देता है सेक्शन अबाउट 2 feet जो 2 feet लॉन्ग होता है, विद अ ग्रेट लेबोर पार्टली बाय फायर से पार्टली बाय द
चेजल ही स्क्रैब्ड आउट अ हॉलो प्लेस एज ए डिग एज ए स्मॉल बाउल, उसे काट लेता जैसे वो छोटे बाउल की तरह। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल हैमर, यानी वो ओखली में जैसा होता है वैसा बना लेते हैं लकड़ी का सच एज इज यूज फॉर पाउंडिंग राइस, राइस को पाउंड करने के लिए। वैन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, जब न्यू ईयर आने लगता है ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, वो राइस पेस्ट्री बनाता है। वैन द राइस वॉज ऑल बॉइल्ड, जब सारा बॉइल्ड हो जाता है। ग्रैनी पुट इन टू द मोर्टन, द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मैस इन टू द एंड द ब्लो फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग, जब तक वो बेकिंग के लिए रेडी ना हो जाए। सडनली द होल मास टर्न इन टू हैड हीप ऑफ गोल्ड कॉइंस, गोल्ड कॉइंस बन जाते हैं। वैन द ओल्ड वुमन टुक द हैंड मिल एंड फिलिंग इट विद बीन्स, बीन्स से भरती है गोल्ड ड्रॉप लाइक रेन, जैसे वो बन जाते हैं। मीन वाइल द इनवर्सन नेबर पीप्ड इन एट द विंडो, वो अपनी खिड़की से ये सब देख रहे होते हैं। वैन द बॉइल्ड बीन्स वर बींग ग्राउंड, जब बॉइल्ड बीन्स ग्राउंड पे होती है। गुड डे मी क्राइड द ओल्ड हैग, वो बुरा आदमी बोलता है, ओल्ड वाला जो बुरा वाला ओल्ड है। एस शी सॉ ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इन टू येलो गोल्ड अंटिल इन अ फ्यू मिनट्स द टब अंडर द मिल वॉज फुल ऑफ शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड, गोल्ड से भर जाता है। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, तो वो ओल्ड कपल जो थे फिर से रिच हो गए। द नेक्स्ट डे ऑफ स्टगिंग एंड वाइफ नेबर्स, जो थे बेकार नेबर्स थे, केम एंड बोरोड द मोर्टन एंड मैजिक मिल, को वो ले जाते हैं। दे फील्ड विद बॉइल्ड राइस और बीन्स के साथ भरते हैं। फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री सॉस टर्न इन टू अ फाउल, में करते हैं माउस ऑफ वॉर्म्स, लेकिन वहाँ वो जो करते तो उसमें से कीड़े आ जाते हैं, मतलब वो कीड़े में बदल जाते हैं। स्टिल मोर एंग्री, वो और गुस्सा हो जाते हैं, उसे काट देते हैं और फायरवुड की तरह यूज़ कर लेते हैं। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन, उसे फिर से सपना आता है। जो स्पिरिट ऑफ द डॉग जो थी वो कहती है टेलिंग हिम हाउ द विक पीपल हैड बर्न्ड द मिल, वो मिल को उन्होंने जला दिया। मेड फ्रॉम पाइन ट्री, जो पाइन ट्री से बना था। टेक द एशेज, उसके एशेज लो ऑफ द मिल, स्प्रिंग देम ऑन द विदर ट्रीज, और विदर ट्रीज पर फेंक दो एंड द विल ब्लूम अगेन, और वो फिर से जाएगा। जैसा ऐसा स्पिरिट डॉग की कहती है। द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू हिज विक्ड नेबर, के पास आता है। हुज वर ही फाउंड द मिसक्रेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ द स्क्वायर फायर प्लेस पर बैठे थे। इन द मिडल ऑफ द फ्लोर स्मोकिंग एंड स्पिनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम द वार्म देयर हैंड एंड फीट विद ब्लेस फ्रॉम सम बिट्स ऑफ मिल, मिल्स है। वाइल बिहाइंड देम ले अ पाइल ऑफ द ब्रोकन पीस द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क फॉर द एशेज, जो अच्छा ओल्ड आदमी था वो अच्छे से पूछते कि मेरे को उसकी राख दे दो। थ्रू द कन्वर्शन कपल टर्न्ड अप देयर नोज एट हिम, मतलब गंदा महसूस कराते कि देखो हम कोई है वो, मतलब होता ही है ना चुगली जैसे लोग। हिम एज इफ ही वर अ थेव, दे लेट हिम फिल हिज बास्केट, वो बास्केट भर लेता है अपनी उससे। विद द एशेज ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इन टू द गार्डन, गार्डन में ले जाता है। इट बीइंग विंटर, विंटर हो रखी थी। द फेवरेट चेरी ट्री वॉज बर, मतलब जो चेरी ट्री था उनका वो ऐसा झड़ा हुआ सा था। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एश, थोड़ी सी हल्की सी चुटकी भर से ऐश उस पर डाल देता है।
इट ब्लूज अगेन, और उस पर फिर से वो स्प्रिंकल्स आ जाते हैं विच परफ्यूम द एयर एयर में. द न्यूज ऑफ दिस फील्ड द विलेज, ये खबर पूरे विलेज में फैल जाती है. एंड एवरी वन रन आउट टू सी द वंडर, ये चमत्कार देखने आते हैं. द कंटस कपल ऑल्सो हियर द स्टोरी, वो भी कहानी सुनता है. एंड गैदरिंग अप द रेमिंग एशेज ऑफ द मिल, वो भी ले लेते थोड़ी ऐश, मतलब जो उनके पास थी. कैप दैम टू मेक विदर ट्री ब्लूम, करने की कोशिश करते. द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट इज लॉर्ड द डैम्यू, मतलब वो डैम्यू जो जो लैंड वो हुआ करते थे, अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था. डैम्यू जो थे वो लैंड ओनर्स थे, तो वही वहाँ के किंग होते थे. वॉज टू पास अलोंग द हाई रोड नियर दैम नियर द, वो हाई रोड से पास हो रहे थे. विलेज सेट आउट टू सी हिम, सब उनको बाहर आए थे. टेकिंग हिज बास्केट आउट ऑफ एशेज, वो ले लेता है. एज द ट्रेन अप्रोच ही क्लाइम अप इन टू द ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री, चेरी ट्री पे चढ़ जाता है. दैट स्टूड अप द वे साइड, जो थी. नाउ इन द डे ऑफ डैम्यू इट वॉज द कस्टम वेन देयर लॉर्ड पास्ड बाय फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडो, अपनी बड़ी जो अमीर लोग हैं उन्हें अपनी बड़ी विंडो क्लोज करनी है. अब मेरे को नहीं पता क्यों करनी है, बस करनी है. दे इवन पास्टेड देम फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर से सो एज नॉट टू कमिट द इम्प्रिंटीज ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, नीचे देखना. ऑल द पीपल अलोंग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड, अपने हाथ झुका देने एंड नीज पर बैठ जाना. एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट अनटिल द प्रोसेशन पास्ड बाय द ट्रेन ड्रू नियर, मतलब पालकी टाइप की वो ट्रेन होती थी. वन टेल कंटेंट मैन मार्च अहेड, उसके साथ एक मैन भी मार्च करता था. क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, मतलब वो बोलता था घुटने पे बैठ जाओ घुटने पे बैठ जाओ. गेट डाउन ऑन योर नीज एंड एवरी वन डाउन वाइल द प्रोसेशन वॉज पासिंग, जब प्रोसेशन पास होता जाता था सब बैठते जाते थे. सडनली द लीडर टू द वैन कॉट द ओल्ड द एज मैन अप इन द ट्री, वो जब अच्छा बूढ़ा आदमी वो ट्री पे जो बैठा था उसको देखते. ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन अ एंग्री टोन, वो कहने वाला था, बट सीइंग हिम वॉज सच एन ओल्ड फेलो, कि वो एक बूढ़ा आदमी है. ही प्रिटेंड नॉट टू नोटिस हिम, वो ऐसे दिखाते जैसे उसने उसको नोटिस नहीं किया. एंड पास्ड हिम बाय, और पास कर जाते. सो व्हेन द डैम्यू प्लैंटेड ड्रू नियर द ओल्ड मैन, जब आता है वो पिंच ऑफ एश लेता है अपनी बास्केट में से और डाल देता है ऊपर. इन अ मोमेंट अ बर्स्ट इनटू ब्लॉसम्स, का ब्रस्ट होता है. द ग्लैड डैम्यू ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड, उन्हें ये वंडर देखना था तो वो बोलते कि रुक जाओ. कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, बुलाते हैं. ही थैंक हिम एंड ऑर्डर प्रेजेंट सिल्क रॉप स्पॉन्ज केक फैंस एंड अदर रिवॉर्ड्स, भी इनको ये मिलेंगे राजमहल में कैसल में आ जाना इसके लिए. सो द ओल्ड मैन वेंट जेंटली ग्लू हेलो होम टू शेयर हिज जॉय विद डियर ओल्ड वाइफ, और वो अपने वाइफ को ये बताने जाता है. बट वैन द ग्रीडी नेबर हियर्ड ऑफ इट ही took some of the magic ashes, वो भी magic ashes ले लेते हैं. and went out and highway there he waited until a daimyo train come along and वो wait करते कि daimyo की वो आ जाए. kneeling down like the crowd he climbed cherry tree, वो भी cherry tree पर चढ़ जाता. when the daimyo himself was almost directly under him
ही थ्रू अ हैंडफुल यानी मुट्ठी भर के ऐश फेंक देता है ओवर द ट्री ट्री पे विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल मतलब कुछ बदलता नहीं है. द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेज एंड आइजेज ऑफ डामियो एंड हिज वाइफ उसकी वाइफ और उसके आँख नाक में चला जाता है. सच स्निकिंग चॉकिंग इट स्पॉइल्ड ऑल द पंप एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेसन को बिगाड़ देता है. द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई गेट डाउन ऑन योर नीज जिसका बिजनेस था चिल्लाना कि अपने घुटनों पर बैठ जाओ अपने घुटनों पर बैठ जाओ. सीज द ओल्ड फूल बाय अ कॉलर उसको कॉलर से खींचता उस बेकार बुढ़े आदमी को ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री ट्री से खींचता एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज एशेस बकेट इनटू द डिक फेंक देता है बाय रोड रोड पे. देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड वो उसको मरने के लिए छोड़ देते. थस द वाइट डॉलमैन डाई इन द मड और वो मिट्टी मर जाता है. बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग्स बेल्ट इन अ पीस एंड प्लेंटी एंड द ही एंड हिज लाइफ वाइफ लिव्ड इन अ ग्रीन ओल्ड एज. ग्रीन यानी हेल्दी ओल्ड एज में रहते हैं. तो इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है. अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक इट चैनल को सब्सक्राइब करें. तो अगले वीडियो में तब तक के लिए.